चलो चलो ठीक है। देखो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है यार, है कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से रे, मज़ा आ गया यार देख के। वाह, यहाँ आने का बार-बार मन करता है भाई, बहुत सुंदर है। बादल देख, बादल देखे सुबह भाई, बहुत मज़ा आ गया यार। देखो यार है वो तेरी फूफा जी, देखो वो है वीडियो बना रहे ना। हाँ ये सड़क है, सड़क से थोड़ी नीचे खाई है, और यहाँ देखो ये व्यू देखो, ये तेरी जेरी खाई, तेरा व्यू। ये गाड़ी जा रही है हमारी, अरे बारिश भी हो रही है, अरे बड़ी अच्छा हो रहा, मजा आ गया यार, क्या बादल लगे हैं, ओए होए होए दिल खुश कर दिया था भाई। देखिए सही उनका गांव का रास्ता है, अच्छा अभी उपाध्याय जी के घर जाओगे क्या? चलो मजा आएगा, चलो घर आ ही गया सामने सामने। व्लॉगिंग भी करते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, व्लॉगिंग नहीं है, ऐसे जैसे दोस्तों को अभी दिखाने के लिए है, ये होम स्टे है भाई। भी इतने बीच में दिखेंगे आपको, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे से ये यहाँ है फूफा जी के जानने वालों का होम स्टे है, ये व्यू बड़ा सही आता है यहाँ से, बहुत अच्छे व्यू पे बनवाया आपने। हाँ हाँ बहुत अच्छे व्यू बनाया यार, कितना साफ लगा, देखो कितना सुंदर, सामने हिमालय होंगे ना जब धूप आएगी। okay. चलो आगे बढ़ते रास्ते पे यार, ये रास्ते पैदल पैदल जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। वाह क्या शानदार है ये, मानिला मंदिर को जा रहे हैं हम। थक गया तू, पानी लाया है? पानी पानी पी ले थोड़ा सा, सुस्ता ले। रोड देख कितनी अच्छी लग रही है आगे से, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई साहब, ये रोड किसके नीचे यार, जो कितना सुंदर लग रहा है यार। अच्छा गांव गई है क्या? उन्हें शॉर्टकट ले लिया, शॉर्टकट लोगे यहाँ चले, वो शॉर्टकट जा रहा है। आ चलते हैं रे, शॉर्टकट है वो, चलो शॉर्टकट है वो, इसके वो सड़क को निकल जाएगा। रास्ता तो लंबा है यार, चीड़ की पेड़ है, चीड़ की पेड़, ये देखो भैंसा आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या सुंदर है जी। मुझे लग रहा है यहाँ बाघ कोई जानवर रहते होंगे, जंगली जानवर, उत्तराखंड में भैंसा बहुत जंगली जानवर रहते हैं ये। हाँ हाँ सामने हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो आगे बढ़े जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे किसी की पेड़। वाह है गौशाला, यहाँ क्या है? बाद में यहाँ जाती है गोबर करने के बाद। भाई साहब पीछे देखते हुए ना, कोई पीछे से बघीरा बघीरा टाइप का ना आ जाए, उत्तराखंड है यहाँ पर, कभी कहीं भी अटक कर सकते हैं पीछे से। आजकल तो जान ही रहे हो, उत्तराखंड में न्यूज़ आ रही है बहुत बहुत कि गुलदार ने तो मार दिया, इतना मार दिया तेंदुए ने, तो संभल के चलना भाई लोगों। तो कितने घने पेड़ हैं यार, मज़ा आएगा, इसमें शूटिंग होनी चाहिए यार, यहाँ शूटिंग भी आनी चाहिए भाई, रास्ता तो अच्छा ही है वैसे। महीने डेढ़ महीने महीने दो महीने में एक वीकेंड यहाँ आ जाओ, सुंदर लग रहे हैं, मजा आ गया है ना, बढ़िया है, सुंदर हरियाली है। ये देखो रास्ता कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर सा। ये आगे क्या यार, कुछ मुझे बोर्ड टक वाला लग रहा है। कौन सा कॉलेज है? गांव का रास्ता है, पता नहीं किसका रास्ता है, रांची आईटीआई है। आइडिया ही है, हाँ सही है यार। ये सारा फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट के अंदर अंडर आता है सब, फॉरेस्ट का है ये। नहीं नहीं ये अपना नहीं है, हाँ अपना समझ रहा होगा सब तो, और क्या, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है सारा। भाई लोगों बहुत सुंदर जगह है, मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि जरूर उत्तराखंड जरूर आइएगा, इस टाइप के सीन को देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है। मतलब आपकी जो थकावट होगी ना चल चल के, उस आपको लगेगा नहीं कि आप पैदल चल रहे हैं, मतलब इतनी सुंदर सीनरी, मतलब वीडियो में तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, वैसे आप देखोगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप सोचोगे यार बार बार आया जाए।
तो आइएगा, प्लीज आइएगा, घूमिएगा। हमारे यहाँ देवी का मंदिर, बहुत सारी जगह गाँव की देवी का मंदिर है, यहाँ पर स्थापना की गई है। जय हो देवी माता। ये देवी है यहाँ जो गाँव की देवी, उनका मंदिर है, यहाँ पूजा कर ली मैंने। अब हम जा रहे हैं नीचे देवता। ओ भाई लोग, रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हल्के हल्के भैया, जंगल है, खतरनाक जंगल है, डर लगता है हमको। ये देखिए कितनी सुंदर आवाज़, सुरीली आवाज़ है कोयल की। देखो तो ये देवी जी का मंदिर है, इसमें गांव में सारे लोग पलायन कर चुके हैं, मैक्सिमम लोग, तो अब गांव में कुछ ही लोग रह चुके हैं। वो इसलिए है कि यहाँ पर कुछ नौकरी पेशे का, कुछ आजीविका कमाने के लिए कुछ साधन नहीं है, इस वजह से लोग पलायन कर जाते हैं शहरों की ओर, और जो शहर में रह गए तो कभी कभार यहाँ आते हैं। तो ये ताई जी हमारे, जिनके वहाँ आए हैं उनकी ताई जी हैं, तो अभी गाँव पर ही हैं, तो ये मिलने आए हैं, देखने आए हैं जमीन कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए आखिर, अच्छा हम बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, पहुँच गए पहुँच गए। ऊपर सदरा से हम नीचे जा रहे हैं तालू की तरफ, ये देख। बहुत सुंदर है, नीचे भी है एक घर है हम लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बढ़िया लोकेशन है, आराम से एंजॉय करो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, सुन बहुत अच्छा लगा मुझे तो। देखो तेरी ताजी लोग आगे निकल गए, चलो इस साइड चलते हैं, देखें क्या है आगे को, देखते हैं कोई क्या तो नया कोई सीन क्रिएट हो जाए सामने। बेटा देखते हुए ना पीछे, बघेरे बघेरे टाइप में ना आए। अच्छा वो आगे निकल गए यार मेरे। अच्छा ये जंगलों में भालू तो रहते होंगे यार, पता करना पड़ेगा पहले से, पता करते हैं कि नहीं, एंजॉय करते हैं। चलो 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 चलो, हो जा रही ताई जी। ताई जी हेलो, को मेरी नानी, ताई जी मेरी नानी कह रही थी कि अपनी ताई जी को याद कर दियो। अच्छा, ठीक है, आइए वीडियो भेजूंगा अपनी नानी को। बहुत सुंदर है, लगता है आगे गधेरा होगा यार, गधेरा। अरे हाँ आगे तो गधेरा है यार, ताई जी से गधेरा कहते हैं इसे, गधेरा। ये गधेरा आ गया, अच्छा। हम गधेरे में आ गए, बोला नदी पुरानी सूखी नदी। हाँ नहीं गोल, हाँ यहीं देखा था। अच्छा ये गधेरा हुआ, हमारा था यो जनर, हमारा ये दूजी का हमारा घर के तक पहुंच रहो छो। अरे यहां रोटी पाएगी यार, है ये की ये गधेरा है, गधेरे में कहां रोटी पाएगी? इसलिए जीजा हमने तो आप हां मोटरसाइकिल होगा, कार जाते हैं कार कहाँ जाएगी? कार यहाँ तक आएगी नहीं, पहली बात। ये बाइक ले जाने मुश्किल है। हाँ ये आपको घर तक पसंदर ले जाओ चीजें। अरे ताई जी नल ही नल टूट रखा है, पानी का नल आया होगा ना? पर हमारे घर के पास आ रहा है नल, हमारे छह नल। अच्छा आया नहीं था, मगर छह महीने की था नहीं आई। अच्छा आज आप हमारे साथ आ रही क्या? आज तुम्हारे जगह हम रहे हो। ओहो ओके ओके, हमारे नल टूट गया कभी। अच्छा ताई जी गधेरा है हमारे घर से, ये व्यू आ रहा है चारों तरफ, देखिए कितना मजा आ रहा है। ताई जी बेटी खड़ी है, मजा आ गया यार। सोन तुझे पहले क्यों नहीं आया बे? तो कितने सालों बाद आ रहा है, 20-22 सालों बाद आ रहा होगा, 20-22 साल तो हुआ ही होगा। चारों तरफ देख कितना मजा, क्या सीन है यार। ये सामने है, ये जो सामने है ना हिमालयन रेंजेस है, अभी तो कोहरा हो रहा है इसलिए दिख नहीं रही, साफ हिमालयन दिखता है। देखो ये जो दीवार है यहाँ से लेके अगर आप सीधे सीधे, और ये दीवार पाल ये ऐसे, ये बिल्कुल जो अगर आप सीधे स्ट्रेट में जाएंगे यहाँ से इस तरफ जंगल का हो गया, और यहाँ से इस तरफ नल वालों का हो गया। अब वो देख लो आपस में किसी लाइक। फाइनली हम पहुँचे गांव के पुराने मकान की गौशाला पे, जहाँ सफाई करते हुए भतीजा की ताई जी। तो देखिए गांव पर इस टाइप का अगर कार्य करते रहें तो अपने को सुकून मिलता है बड़ा अच्छा, जहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग रहा करते थे, कभी रहे थे। तो यहाँ पर हमें जरूर जाना चाहिए, एक बार साल में एक बार तो अवश्य ही आना चाहिए। मेरा निवेदन है हर गांव वालों से, जो गांव छोड़ चले गए हैं पलायन पर, रोजी रोटी के लिए भी चले गए हैं, तो साल दो साल में अपने बच्चों के साथ गांव में जरूर आना चाहिए, ताकि उनको उनकी जो धरोहर है वो समझाई जा सके, उनको बताया जा सके कि आप कहाँ से थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोबारा निवेदन है आपसे, आप अपने बच्चों को लेकर अपने गांव, जो भी आपका गांव हो, एक बार जरूर जाइएगा।